ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांव में नदी कटाव से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद नासिर आलम ने बताया कि जिस तरह से नदी कटाव हो रही है, अभी तो बारिश शुरू हुई है, आगे चलकर लोगों का क्या हाल होगा। अगर समय रहते हुए नदी कटाव नहीं रोधी कर देता है तो आज लोगों को इस तरह से परेशानी नहीं उठाना पड़ता। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नदी कटाव की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। शिशागुड़ी गांव के लोगों ने बताया कि गांव और खेत कट रहा था, लोग परेशान हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ गांव के कब्रिस्तान भी नदी में विलय होने के कगार पर है। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत हम लोग को पर बाढ़ में पानी घुस जाता है घर आंगन में, पर इधर पानी का नदी का कटाव आ रहा है, वही परेशानी हो रहा है। हम लोग को मांग है सरकार से कि नदी बांध दे हम लोग को। अब तक स्थानीय सांसद विधायक नहीं पहुंचे हैं? विधायक एक बार आए थे जो 2024 फर्स्ट में, देख उख के गए, वीडियो करके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। सरकार से क्या कुछ मांग रही है? सरकार से हम लोग का मांग है कि नदी बांध दे, हम लोग को घर दिक्कत पड़ रहा है कटने उठने का। नदी कटाव के चपेट में कितने परिवार हैं? नदी कटने का चपाट में हम लोग मोटा मोटी 20 से 25 का सामना करना पड़ रहा है। सामना नदी का सामना कर रहा है अभी, जो इतना जो नदी जो गया, हम लोगों का गांव में डर है कि जो गांव कट जाए तो हम लोगों का रहने का कोई उपाय नहीं है ना। और ये अभी जो सामने जो कब्रिस्तान ये भी चढ़ा है, सामने देखे गए जो बिचन उचने समूचा काट रहा है, अब हम लोगों का कोई उपाय नहीं है। सांसद और विधायक कभी आए नहीं गाँव में देखने के लिए? नहीं आए। सब कभी सांसद और विधायक का चेहरा देखे? नहीं, आज तक नहीं देखे ना। इस मिशन में अभी नहीं, कब देखते हैं, कब जब कि वोट होने का समय। अच्छा, मतलब जब वोट होता है तभी सांसद और विधायक जो है वोट मांगने के लिए आते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है आपकी समस्याओं से उनको मतलब नहीं रहता है? नहीं। क्या मांग रहेगा? हम लोगों का मांग यही कि देश बांध होना चाहिए। हम लोग सर ग्रामीण जो है नदी कटाव से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आज हम लोग भी मतलब मैं भी सुबह से आया था तो सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ ग्रीन वाला जो मतलब मैदान था एक, हालांकि फुटबॉल मैच भी होता था वहाँ पर, वो लगभग आधा से ज़्यादा कट चुका है। इधर एक हमारा पंचायत में नहीं है, पथरिया पंचायत में है, यहाँ पे पूरा एकदम घर तक घर कटने के कगार में है। ये खुनिया बीटा करके गाँव है, छोटा मुनि।